राजनांदगांव से स्थानांतरित होकर आए जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के उपरांत उन्होंने शिक्षा विभाग के मातहत अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही शासन की गाइडलाइन का पालन करने मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा में जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो ये जो कोविड कार्यकाल में शालाओं जो प्रभावित हुई है अध्ययन, तो हमारा रहेगा कि जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का, उसको हम लोग उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, रेमेडियल टीचिंग के द्वारा हम उसको बच्चों को मिनिमम लर्निंग लेवल पे ला सकें। सर, ऑनलाइन ये प्रक्रिया के लेकर किस तरह की सर बातें आ रही हैं सामने? अभी सर आज से स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह का RTE ऑनलाइन की बात कर रहे हैं आप, तो आज से पंजीयन स्टार्ट हुआ है, तो अभी इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सर, स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो खुलने जा रहे हैं, उनकी प्रक्रिया, उसमें एडमिशन की सर किस तरह की प्रक्रिया आएगी? सर पिछले वर्ष ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन किया गया था, और जहां अधिक संख्या में बच्चों ने आवेदन किया था वहां लॉटरी सिस्टम से उनको एडमिशन दिया गया था। इस वर्ष अभी कोई गाइडलाइन शासन से प्राप्त नहीं हुई है।